हेलो फ्रेंड्स, सुख समृद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भूल कर भी नहीं करना चाहिए इन चीजों का दान, इन्हें मानते हैं धन के लिए अशुभ। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं भूल कर भी किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। नंबर एक, इन चीजों को दान करने से घर की सुख शांति होती है भंग। हिंदू धर्म में दान करना बहुत पुण्यदायी कार्य माना गया है। दान पुण्य करने से न सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि घर में सुख शांति और बरकत भी आती है। जरूरतमंद लोगों की मदद करना मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा कार्य है, लेकिन कुछ दान ऐसे भी होते हैं जिन्हें देने से लाभ नहीं बल्कि नुकसान होता है। नंबर दो, कई समस्याओं का करना पड़ता है सामना। विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में, चाहे वह गरुड़ पुराण हो या मध्य पुराण हो, इनमें पात्रों का दान करना बड़ा ही उत्तम माना गया है। लेकिन यह भी कहा गया है कि दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योग्य हो, यानी दान हमेशा किसी जरूरतमंद को देना चाहिए जिससे वह संतुष्ट हो सके। अधाए हुए को दान देने से कोई लाभ नहीं होता है। हो सकता है कि वह अपनी वस्तु का उपयोग भी ना करे। जरूरतमंद को देंगे तो जब भी वह आपकी वस्तु का उपयोग करेगा, आपको दुआ देगा जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा। जिसे जरूरत नहीं है उसे देंगे तो वह हो सकता है कि आपको कोसता ही रहे कि बेमतलब का कबाड़ दे दिया। यानी दान में लेने वाले और देने वाले की भावना ही प्रमुख है। आप प्रसन्नता से देंगे और लेने वाला खुशी से लेगा तो पुण्य पाएगा। नंबर तीन, नाराज हो जाती है लक्ष्मी माता। मान्यताओं के अनुसार झाड़ू अलक्ष्मी को दूर करने वाला है और देवी लक्ष्मी को घर में लाने वाला है। इसलिए बहुत से लोग धनतेरस के अवसर पर झाड़ू भी खरीदते हैं। कहा जाता है कि धन समृद्धि के लिए झाड़ू को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां आने जाने वाले की नजर ना जाए। जहां तक दान की बात है तो दान स्वरूप किसी को भी कभी भी झाड़ू दान में नहीं देना चाहिए। ऐसी लौकिक मान्यता है कि इससे बरकत चली जाती है, यानी लक्ष्मी रूठ जाती है। नंबर चार, लक्ष्मी प्रतिमा का दान। धर्म ग्रंथों में धन की देवी, ऐश्वर्या की देवी माता लक्ष्मी को कहा गया है। सभी चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी उनके घर में निवास करे। इसलिए देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद कभी भी यह नहीं कहा जाता कि सब स्थान गच्छ, यानी अपने स्थान को जाएं, बल्कि कहा जाता है कि मैं समसव, यानी यहीं बने रहिए। इसलिए देवी लक्ष्मी की प्रतिमा का दान भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग चांदी के सिक्के पर अंकित लक्ष्मी गणेश का दान करते हैं, वह भी अच्छा नहीं है। यह एक तरह से अपनी लक्ष्मी को विदा करने जैसा है। आप अन्य अंकित तस्वीरों वाला सिक्का दान कर सकते हैं। नंबर पाँच, होती है धन की समस्या। जिन लोगों की कुंडली में गुरु सप्तम स्थान में है, उन्हें नवीन वस्त्रों का दान स्वयं अपने हाथों से नहीं देना चाहिए। लाल किताब में बताया गया है कि इससे स्वयं नवीन वस्त्रों का सुख प्रभावित हो जाता है। जैसे जरूरतमंदों को अपने वस्त्र दान देना अच्छा माना गया है। इससे शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। कहते हैं इससे शरीर निरोग होता है। कुछ लोग तो इसी मान्यता की वजह से अपने पहने हुए वस्त्र दान भी करते हैं। इसे टोटके के तौर पर भी अजमाया जाता है। नंबर छः, ऐसा भोजन दान देने वाला अशुभ परिणाम पाता है। भूखे को भोजन दान देना उत्तम माना गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। इससे देवता अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग भूखे लोगों के सामने दान स्वरूप बासी और अरुचिकर भोजन रख देते हैं। ऐसा दान करना पुण्य नहीं पाप को बढ़ता है। ऐसे लोगों के घर देवी लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती है, क्योंकि यह भूखे व्यक्ति और देवी अन्नपूर्णा का भी अपमान माना गया है। नंबर सात, धार्मिक पुस्तकों का दान भी पाप बढ़ाता है। गीता में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को गीता का ज्ञान मत दो जिसकी इसमें अरुचि हो या सुनने की इच्छा ना रखता हो। इसी प्रकार धार्मिक पुस्तकों का दान भी ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जिनकी धर्म में रुचि ना हो। नास्तिक व्यक्ति को ऐसे पुस्तकों का दान देंगे तो वह उससे ज्ञान लेने की बजाय अपमान पूर्वक कहीं रख देगा। इससे पुण्य की बजाय आपका पाप बढ़ेगा। इसलिए धर्म और उन्नति की कामना रखने वाले को धार्मिक पुस्तकों का दान किसी धार्मिक व्यक्ति को ही देना चाहिए। इसके अलावा सुख समृद्धि चाहने वाले को नुकीली चीजों का भी दान करने से
बचना चाहिए, ऐसी मान्यताएं हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है भूल कर भी नहीं करना चाहिए किन चीजों का दान। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, जहां भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, मिलते हैं कल ऐसी ही एक वीडियो के साथ। तब तक आप सबको जय श्री कृष्णा।